अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए हेल्दी लंच की रेसिपी लेकर आए हैं जो आपको काफी वेट लॉस करने में आपको हेल्प मिलने वाली है और आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही आराम मिलेगी और ये बहुत ही आसानी से बन भी जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पैन लिया है, इसे हमने अच्छे से हीट होने दिया है और इसमें हम 1 टेबल स्पून देसी घी ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून गार्लिक ऐड कर देंगे। साथ में हल्का सा हमें सौते करना है, कलर नहीं चेंज करना है हमें। वैसे तो गार्लिक ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं और अगर आपको गार्लिक का यूज नहीं करना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप घी का भी यूज कर सकते हैं। इसका कलर नहीं हमें चेंज करना है। और इधर हमने एक शिमला मिर्च लिया है और 2 छोटे छोटे स्मॉल साइज के हमने प्याज लिया है, हम इसे भी ऐड करेंगे। बस हम इसे भी अच्छे से सौते करेंगे, इसे हमें कुक नहीं करना है, बस हल्का सा हमें सौते करना है। और अगर आप चाहें तो हरी मिर्च का भी यूज कर सकती हैं या फिर चिली फ्लेक्स का भी यूज कर सकती हैं। 1/2 टीस्पून नमक और 100 ग्राम पनीर हम इसे भी ऐड कर देंगे और इसे भी हम सब्जियों के साथ सौते करेंगे। ये बहुत ही हेल्दी लंच है, पनीर में काफी प्रोटीन होता है और इस लंच को आप अपने डाइट में अगर आप शामिल करेंगी तो आपको काफी हेल्प मिलेगी वेट लॉस करने में। और इस लंच को आप अगर खाएंगी तो आपको काफी फुलनेस फील होगा और आप इधर उधर नहीं भागेंगी कहीं पे भी दूसरी चीज खाने के लिए। और अगर आपको ग्रीन चिली या रेड चिली का यूज नहीं करना है तो आप ब्लैक पेपर का भी यूज कर सकती हैं। 1/4 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं क्योंकि अब अच्छे से ये सब्जियां भी और पनीर भी सौते हो चुकी है। और एक हमने खीरा लिया है, इसे हमने छोटे छोटे पीस में कर लिया है। और सब्जियों में अगर आप पालक को भी यूज करना चाहती हैं तो आप उसको भी अच्छे से वॉश करके 3-4 पत्तियां ले लीजिएगा और उसको भी अच्छे से सौते कर लीजिएगा। और अगर इसके अलावा और भी सब्जियां ऐड करना चाहती हैं जैसे कि कैबेज और कैरेट तो आप वो भी यूज कर सकती हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन सी सब्जी पसंद है। और इधर हमने घर का दही यूज करेंगे और अगर आपके पास घर का दही नहीं है तो आप बाहर का भी यूज कर सकती हैं और अगर उसमें फुल फैट क्रीम हो तो उसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा या फिर उसमें थोड़ा सा छाछ भी ऐड कर सकती हैं। और पतला मत कीजिएगा, बस थोड़ा थिक रखिएगा, जैसे कि आपको इसकी दही की कंसिस्टेंसी दिख रही होगी बस इतना ही रखिएगा। और इसमें हम कुछ सीड्स भी ऐड करेंगे जैसे कि 1 टीस्पून चिया सीड्स और 1 टीस्पून सीसम सीड्स और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मार्केट में आसानी से चिया सीड्स और सीसम सीड्स आसानी से मिल जाता है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी कि आपको आसानी से ना मिले। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चिया सीड्स और सीसम सीड्स मार्केट में आसानी से मिल जाता है और ये हमारा हेल्दी लंच बनकर एकदम रेडी है। और आप अपनी लाइफ स्टाइल में इसे ज़रूर यूज करें ताकि आपका वेट मैनेज रहे और वेट लॉस करने में भी आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। और ये बहुत ही कम समय में बन भी जाती है और ये बहुत ही टेस्टी भी लगने वाली है। और इस लंच में काफ़ी फाइबर की मात्रा है जो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो आपका ये बहुत ही जल्दी दूर भी हो जाएगी, तो आप इसे ज़रूर यूज करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।